फिल्म आदि पुरुष की रिलीज के बाद लोग इसकी तुलना 1987 में आए रामानंद सागर के शो रामायण से करने लगे हैं। इस टीवी शो को दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था, जिसमें भगवान श्री राम की भूमिका अरुण गोविल और माता सीता की भूमिका दीपिका चिखलिया ने निभाई थी। एक दौर था जब रामानंद सागर ने रामायण बनाकर टेलीविजन की दुनिया ही बदल दी। गली मोहल्ले में हर कोई रामायण देखने के लिए बेताब रहता था। उस वक्त हर घर से बस एक ही आवाज़ आती थी, रामायण रामायण। ये शो लोगों में इतना लोकप्रिय हुआ कि जब रामायण का प्रसारण शुरू हुआ था तब सड़कों पर सन्नाटा हो जाता था। क्या आपने सोचा है कि उस दौर में रामायण की शूटिंग कैसे हुई थी? आइए हम आपको रामायण के शूटिंग की तस्वीरें दिखाते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। जिनको नहीं पता उनको बता दें कि रामायण की शूटिंग गुजरात के उमरगाम में हुई थी। इसके सेट को हीरा भाई पटेल नाम के व्यक्ति ने डिजाइन किया था। 1998 में पौराणिक फिल्मों में आर्ट डायरेक्टर हीरा भाई पटेल ने वृंदावन स्टूडियोज का सेटअप किया था। उन्होंने मुंबई इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने कॉन्टेक्स्ट का यूज़ टीवी प्रोड्यूसर्स को लुभाने के लिए किया और रामानंद सागर को लेट 80s में रामायण शूट करने के लिए कन्वेंस किया। हीरा भाई पटेल ने रामायण की शूटिंग में अहम रोल अदा किया था। वे रामायण विक्रम बेताल थ्रोन बत्तीसी के अलावा करीब 300 धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्मों व सीरियल के आर्ट डायरेक्टर रह चुके हैं। रामायण के पॉपुलर होने पर हीरा भाई ने 40 एकड़ जमीन में अपने स्टूडियो की बिल्डिंग को फाइनेंस करने के लिए सरकार की सब्सिडी स्कीम का फ़ायदा उठाया था। हीरा भाई पटेल के बेटे के मुताबिक उस दौरान स्टूडियो का रेट 8 घंटे के लिए 2000 रुपये हुआ करता था। कैमरामैन असिस्टेंट स्टूडियो असिस्टेंट और डायरेक्टर्स के रहने के लिए अलग अरेंजमेंट थे। उन्होंने कहा कि हीरा भाई पटेल हमेशा एक सीन के लिए संभावित सेट की एक रफ पेंटिंग लेकर आते थे और रामानंद सागर इसे लागू करते थे, बिल्कुल अशोक वाटिका की इस पेंटिंग की तरह, जिसे बाद में एक सेट में बदल दिया गया। यहाँ तक अरविंद त्रिवेदी का रावण की भूमिका निभाने के लिए हीरा भाई पटेल ने ही रामानंद सागर को सुझाव दिया था। वो शिव भक्त थे और रोज सेट पर आने से पहले पूजा करके आते थे। रामायण में रामेश्वरम सीन शूट करने के बाद एक पंडित जी भोपाल आकर रामानंद सागर से मिले थे और उन्होंने मध्य प्रदेश की दो शिवलिंग दी थी, तो उन्होंने इन शिवलिंग को स्टूडियो में और पास के गांव में एक शिव का मंदिर बनवाकर स्थापित करवा दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक जब दूरदर्शन पर पहली दफ़ा रामायण का प्रसारण किया गया था तब दूरदर्शन की प्रति एपिसोड इनकम 40 लाख रुपए थी। रामायण में कौशल्या और दशरथ का किरदार निभाने वाले जयश्री गडकर और बालधुरी ने असल जिंदगी में भी शादी कर ली थी। रामायण को 55 अलग अलग देशों में टेलीकास्ट किया गया जिसकी व्यूअरशिप लगभग 650 मिलियन थी। रामायण का समापन राम के राज्य अभिषेक के साथ हुआ, पर चेन्नई के एक शख्स के लिए लवकुश का विशेष एपिसोड शूट किया गया था क्योंकि उस शख्स ने वो एपिसोड मिस कर दिया था, इस कारण से वो हॉस्पिटलाइज तक हो गया था। दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पौराणिक श्रृंखला के लिए शो का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। जब रामायण का प्रसारण दोबारा टीवी पर हुआ तो इसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और सबसे ज़्यादा देखने जाने वाला शो बन गया। रामायण की शूटिंग 550 दिनों तक चली थी। संजय जोग को पहले लक्ष्मण के रोल के लिए चुना था लेकिन ज़्यादा दिनों की शूटिंग के लिए वो कमिटमेंट ना दे सके, इसलिए उन्हें भरत का रोल ऑफर कर दिया गया। अरुण गोविल ने ही मधुसूदन राव के लवकुश में लक्ष्मण का रोल अदा किया था। रामायण के एक एपिसोड का बजट 9 लाख रुपये था। शो की लोकप्रियता को देखते हुए इसके एपिसोड 3 बार बढ़ाए गए। पहले इसके 52 एपिसोड थे और बाद में बढ़ाकर 78 एपिसोड किया गया। राम के रूप में दर्शकों का बेइंतहा प्यार मिलने के बाद अरुण गोविल को पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करना भी छोड़ना पड़ा। रामायण से जुड़ी यह फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में।